हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आदिकल्चर वर्ल्ड कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा तो देखिए फ्रेंड्स आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन हैवी ड्रेस बनाएंगे ये जो ड्रेस है ये आप घर पे बचे हुए सामान से बना सकते हैं इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो अब मैं सबसे पहले कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है ऐसे हमें चोली पहनानी है और पीछे से जो एक्स्ट्रा चोली है इसको हम ऐसे रखेंगे और आगे की तरफ से डोरी ले जाकर हम पीछे चोली को सेट करते हुए बांध देंगे ये जो ड्रेस है ये आप दो और तीन नंबर के कान्हा जी को बहुत ही इजीली बनाकर पहना सकते हैं मैं यहाँ पे दो नंबर के जी को पहना कर दिखा रही हूं चोली बांधने के बाद अब हमें ये ड्रेस भी कान्हा जी को पहनानी है और हमने जो डोरी लगाई है इसको हम बांध देंगे तो हमने नेफा लगाया है इसलिए काना जी को ड्रेस पहनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर जी को पहना सकेंगे अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदिकल्चरल वर्ल्ड टू सिक्स एट साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो देखिए फ्रेंड्स हमने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे काना जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं इसका लुक बहुत अच्छा आया है प्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम में से एक सर्कल कट कर लिया है और इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक भी लगा लिया है पेस्टिंग बुकरम को जब हम कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस लगाते हैं तो कपड़ा अपने आप बुक्रम में चिपक जाता है पर अगर आप नॉर्मल बुकरम यूज कर रहे हैं तो फैब्रिक ग्लू या फिर सिलाई मशीन से भी आप कपड़े को बुकरम में लगा सकते हैं अब मैं आपको इसका डायमीटर बता देती हूँ तो देखिये फ्रेंड्स इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो मैंने सेवन इंच यानी कि सात इंच रखा है और अब इधर की तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डायमीटर सेवन इंच है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने ये जो सर्कल कट किया है वो एकदम परफेक्ट शेप में है या नहीं तो आप हर तरफ से इसको मेजर करिए अगर हर तरफ से इसकी लंबाई और चौड़ाई एक आती है तो इसका मतलब है कि आपने ये जो सर्कल कट किया है वो एकदम देखिए परफेक्ट शेप में आया है हर तरफ से इसका मेजरमेंट मैंने सेवन इंच रखा है अब हमें इसको बीच में से ऐसे एक बार फोल्ड करना है फिर एक बार और हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना यहाँ पे हमें कमर की कटिंग करनी है तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं या फिर ऐसे सर्कल ड्रॉ करके भी कट कर सकते हैं बहुत छोटा कमर हम नहीं कट करेंगे कान्हा जी के साइज के हिसाब से कमर की कटिंग करनी है क्योंकि किसी किसी काना जी की कमर का साइज थोड़ा चौड़ा होता है तो किसी किसी कान्हा जी की कमर का साइज थोड़ा सा पतला होता है तो ऐसे देखिए हम सर्कल में कट कर लेंगे तो ओपन करने पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने सर्कल में एक परफेक्ट कमर की कटिंग की है अब आप चाहें तो कान्हा जी के साइज के हिसाब से इसको बड़ा भी कर सकते हैं अब हमें यहां से यहां तक एक कट लगाना है तो पहले हम बीच में से बराबर करके फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने की वजह से देखिए एक निशान बन जाएगा और इसके ऊपर ही हमें कट लगा लेना है कट लगाने के बाद अब आप अपने कान्हा जी को पहना के मेजर भी कर सकते हैं इस तरीके से देखिए ये कमर का जो साइज है वो एकदम परफेक्ट आया है तो अब हमें इसको छोटा या बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है अब हम इसमें नेट का फैब्रिक लगाएंगे तो मैंने देखिए यहाँ पे गुलाबी कलर के नेट के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है लंबा सा मैंने ये अरमान नेट यूज किया है आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइन है और इसकी जो टोटल लंबाई है ना वो मैंने डेढ़ मीटर यानी कि 1.5 मीटर रखी है अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप इसको पीसेस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं मैंने देखिए यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है और हमें इस बात का ध्यान रखना है यहाँ से नीचे तक की जितनी टोटल चौड़ाई होगी देखिए जब हम मेजर करेंगे तो ये तीन इंच आ रही है तो हमें ढाई इंच चौड़ाई रखनी है नेट के फैब्रिक की इतना हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी टोटल चौड़ाई होगी उसे आधा इंच कम हमें चौड़ाई रखनी है नेट के फैब्रिक की तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो देखिए टोटल चौड़ाई है हर तरफ से मेज़र करने पे वो तीन इंच है तो हमने ये जो नेट का फैब्रिक कट किया है इसकी टोटल चौड़ाई मैंने ढाई इंच रखी है अब हमें इसमें प्लेट्स डालना है और सिलाई लगानी है तो पहले हम दो तीन प्लेट यहाँ पे डाल लेते हैं हमें ध्यान रखना है एकदम पास पास में और एक के ऊपर एक करते हुए हमें प्लेट डालना है गैपिंग नहीं देनी है देखिए हमने पहली प्लेट डाली है फिर हम कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करेंगे और जो पहली प्लेट है उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम दोनों तरफ से पकड़ के ही कपड़े को फोल्ड करेंगे जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्लेट्स एकदम बराबर पड़े और आप देख सकते हैं मैंने एकदम पास पास में एक के ऊपर एक करते हुए प्लेट्स डाली हैं अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो एक एक प्लेट डालते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं सिलाई लगाकर हमने देखिए सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है जिससे कि कपड़ा यहीं पे लॉक हो गया है इधर उधर अब ये खिसकेगा नहीं और हमें प्लेट्स डालने में आसानी होगी तो ऐसे ही पतले पतले से एक के ऊपर एक करके हमें सभी प्लेट्स डालते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है तो एक बार में मैं देखिए यहाँ पे दो तीन प्लेट डालूंगी आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं एक एक प्लेट भी या फिर एक बार में आप पांच छह प्लेट्स डालकर भी सिलाई लगा सकते हैं वैसे तो नेट के फैब्रिक में प्लेट्स डालना बहुत आसान होता है आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे देखिए हमने यहाँ पे फिर से चार पांच प्लेट डाल लिया है और हमें हम सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाकर हमने फिर से सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है ऐसे ही हमें आगे भी प्लेट्स डालते जाना है हमने देखिए प्लेट्स डालते हुए ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने एकदम पतले पतले से और पास पास में प्लेट्स डाले हैं अब हमें ऐसे रखना है देखिए ये जो हमने बेस बनाया था बुक्रम का इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे नेट का फैब्रिक और जहाँ से हमने प्लेट्स पे सिलाई लगाई है वहीं से ऐसे रखते हुए हम बुकरम में भी फैब्रिक को जॉइंट करेंगे पर उसके पहले हमें देखिए ऐसे किनारे से इस तरीके से रखना है नेट का फैब्रिक और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे उसके बाद हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे जैसे कि किनारे से भी फैब्रिक बुकरम में जॉइंट हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा के चारों तरफ से नेट के फैब्रिक को जॉइंट भी कर लिया है साथ ही साथ हमने दोनों किनारे से भी सिलाई लगाकर इसको जॉइंट किया है पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है पर अगर फिर भी कभी कभी किसी किसी का थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप इसको कट करके बराबर कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे कट करके और एकदम बराबर कर लेंगे अब हम इसमें टिश्यू रिबन लगाएंगे तो मैंने देखिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है ऊपर की तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये जो हमने कटिंग करी थी यहाँ पे रखते हुए हमें सिर्फ एक बार इसको फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे ही हमें दोनों साइड से टिश्यू रिबन लगा लेना है दोनों तरफ से टिश्यू रेपन लगाने के बाद अब हम इसमें नेफा लगाएंगे तो नेफा लगाने के लिए मैंने देखे यहाँ पे बैंगनी कलर का अस्तर का फैब्रिक ले लिया है और इसमें से हम तिरछी पट्टी कट करेंगे तो हमें देखिए ऐसे तिरछे में इसको कट करना रहता है इसको हम औरब पट्टी भी कहते हैं के बाद पट्टी का शेप कुछ ऐसे आ जाएगा इसमें काफी लचीलापन होता है जिसकी वजह से यह फैलता है तो इसलिए इससे नेफा लगाना आसान हो जाता है हमें ऐसे तिरछी पट्टी ही कट करनी होती है अब किनारे से हम इसको ऐसे बराबर कर देंगे दोनों साइड से बराबर करने के बाद अब हमें किनारे से इसको फोल्ड करना है और ड्रेस को पलट हम पीछे की तरफ से रखेंगे और देखिए ऐसे करके रखते हुए अब हमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर पट्टी ज्वाइंट कर लेनी है सिलाई लगा के हमने देखे फैब्रिक को ज्वाइंट कर लिया है अब आगे की तरफ हम इसको ऐसे निकाल लेंगे निकालने के बाद अब हमें फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है साथ ही साथ इसमें डोरी भी डालनी है तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी ले ली है इसको हम ऐसे करके रखेंगे और ये जो फैब्रिक है ना इसको देखिए हमें एक बार पहले फोल्ड करना है फिर एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे दो बार फोल्ड करते हुए साथ ही साथ ये जो डोरी है इसको हम बीच में रखते हुए फिर इसके ऊपर किनारे से सिलाई लगाएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है डोरी ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए नहीं तो ड्रेस खराब हो जाएगी चलो hey, hey, oh, hey, oh, hey, oh, तरफ से सिलाई लगाकर हमने देखिए नेफा भी जॉइंट कर लिया है और हमने किनारे से सिलाई लगाई है तो डोरी जॉइंट नहीं हुई है इसको हम इजीली खिसका सकते हैं अब हमें किनारे से भी ड्रेस को कवर करना है तो उसके लिए हमें कुछ पीसेस बनानी हैं तो मैंने यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक से देखिए पीसेस कट किए हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने दो इंच यानि कि टू इंच रखी है अब हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक बार हमें ऐसे फोल्ड करना है टोटल दो बार हमने फोल्ड कर लिया एकदम बराबर रखेंगे और इधर की तरफ से दिखे ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करते हुए नीचे से एकदम ये बराबर होना चाहिए फिर इधर से भी फोल्ड करेंगे और बराबर करते हुए रखेंगे तो इसका लुक कुछ ऐसे आएगा अब यहां नीचे से हमें सिलाई लगानी है ज्वाइंट करने के बाद अब ये जो दूसरा पीस है इसको भी एक बार हम बीच में से फोल्ड करेंगे फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे अब हमें इधर से फोल्ड करना है और फिर इधर से फोल्ड करना है फिर यहाँ नीचे से सिलाई लगानी है तो हमें एक भी पीस कट करके बाहर नहीं निकालना है ऐसे लाइन से सभी पीसेस को लगाते हुए सिलते जाना है जिससे कि ड्रेस में हमें किनारे की तरफ से इसको लगाने में आसानी रहेगी अगर आप अलग अलग पीसेस कट करके निकाल देंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पर अगर एक साथ एक लंबी सी लाइन आप बना लेंगे तो फिर बहुत ही ईजिली ड्रेस में लगा सकेंगे तो देखिए मैंने ये दो पीसेस बनाकर आपको दिखा दिए हैं सेम ऐसे ही मैंने ये पूरी लरी तैयार कर ली है और जैसा कि मैंने आपको बताया है हमें अलग अलग पीसेस नहीं कट करनी है तो मैंने एक लंबी सी लाइन पूरी तैयार की है अब हमें ड्रेस लेना है और ड्रेस में इस तरीके से हम इसको रखेंगे ऐसे करके रखते हुए हमें चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है तरफ से हमने सिलाई लगाकर देखिए इसको ज्वाइंट कर लिया है अब ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको ढकने के लिए हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो आपके पास जो भी लेस हो आप वो लगा सकते हैं मेरे पास ये पिंक कलर की बहुत ही सुंदर सी लेस थी इसको ऐसे रखते हुए और अब हम चारों तरफ से लगा लेंगे जिससे कि हमने ये जो सिलाई लगाई है वो भी ढक जाएगी और ड्रेस का लुक भी अच्छा हो जाएगा लेस लगा लिया है हमने चारों तरफ तरफ से से अब देखिए फ्रेंड्स इधर की तरफ से तो ये एकदम परफेक्ट शेप आया है नेट का फैब्रिक खत्म हुआ है फिर लेस है और उसके बाद ये वाली डिजाइन है पर इधर की तरफ से नेट का फैब्रिक थोड़ा सा लेस के ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से लेस ढक जा रही है तो ऐसे में हम थोड़ा थोड़ा सा नेट का फैब्रिक कट कर देंगे जिससे कि लेस अच्छे से दिखाई दे तो देखिए हमें एकदम हल्का हल्का सा कट करना है बहुत ज़्यादा हम कट कर देंगे तो ड्रेस ख़राब हो जाएगी क्योंकि नीचे से फिर अस्तर दिखने लगेगा तो हमें हल्का सा कट करना है और अब आप देख सकते हैं इधर की तरफ से भी ऐसे लेस अच्छे से दिखाई दे रही है अब इसको और भी सुंदर लुक देने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर का छोटा वाला नग ले लिया है मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसीलिए मैं लगा रही हूं अगर आपके पास ना हो तो आप बिना लगाए भी ड्रेस बना सकते हैं ऐसे करके हमें देखिए एक एक नग चारों तरफ से लगा लेना है और हम इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे आप चाहें तो फेविकोल से भी चिपका सकते हैं चारों तरफ से हमने नग लगा लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हमारे जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है हम चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के टिश्यू रिबन में से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने नाइन इंच यानी कि नौ इंच रखी है अब हमें एकदम सेंटर से एक बार ऐसे फोल्ड करना है फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ नीचे की तरफ से हम देखिए एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे और हमें गोल्डन कलर की डोरी ले लेनी है पलट कर पीछे की तरफ से हम ये डोरी रखेंगे और ऐसे एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर हम इसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाकर डोरी जॉइंट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की चोली बनकर भी बिल्कुल तैयार है